सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो फ्रेंड्स, आज का जो एक्सपेरिमेंट है, आज मैं बेसिकली एक फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस करने वाला हूँ, जो कि आपको ट्वेल्थ में आपका जो आइडेंटिफिकेशन ग्रुप है, एक्सपेरिमेंट नंबर 18 है, जो कि मैं आइडेंटिफाई करने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एल्डिहाइड है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये चीज़ें आपको कैसी पता चलेंगी। तो ये आपका है एक्सपेरिमेंट नंबर 18, जो कि ट्वेल्थ हैंडबुक में दिया हुआ है और मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फ्रेंड, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है द केमिस्ट्री तड़का, इसका लिंक इस कम्युनिटी टैब में और इस डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको देखिए। उसमें बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मतलब इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ये सब नहीं है, कुछ अलग हट के एक्सपेरिमेंट है जो आप चाहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आप चाहिए तो जाके वो चीज़ें देख सकते हैं। सो चलो, मैं आपके लिए आपका जो ट्वेल्थ एक्सपेरिमेंट है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ और आप मैं आपको पूरे आंसर्स भी लिख के दूंगा, ताकि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हैंडबुक वगैरह में लिख सके। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि आपका जो पहला आइडेंटिफिकेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। आप देख रहे होंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐसा दिखता है। सो हम कैसे पता कर पाएंगे कि किसी भी सब्सटेंस में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है? सो चलो, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपका जो पहला टेस्ट है वो टेस्ट है आपका टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो आपको क्या करना है, सब्सटेंस लेना है। सो फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप कभी भी टेस्ट ट्यूब यूज़ कीजिए तो उसके साथ टेस्ट ट्यूब होल्डर जरूर यूज़ कीजिए, क्लियर, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस कभी भी गिर सकता है। सो ये आपको सॉल्ट दिया जाता है, आपको क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, क्लियर। और अभी आपको इसमें क्या ऐड करना है, आपको इसमें ऐड करना है 10% NaH सोडियम बाईकार्बोनेट, NaSCO3। तो ये मेरे पास NaSCO3 सॉल्यूशन है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसमें ऐड करूँगा। तो आपको ऑब्जर्वेशन देखते रहना है कि क्या आना चाहिए, सब्सटेंस सॉल्यूबल विद ब्रीक एफरवेसेंस ऑफ CO2। ब्रीक एफरवेसेंस क्या होता है, देखो अभी जैसे अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ, अगर इसमें CO2 के बबल्स आते हैं तो देखो, आप देख रहे हैं इसमें CO2 के बबल्स आपको दिख रहे हैं, क्लियर। तो ये CO2 के बबल्स ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कि इसमें CO2 प्रेजेंट है। तो इसमें अगर CO2 प्रेजेंट है तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। अगर यही बबल्स इसमें नहीं आते ना, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा, क्लियर। सो आप ये समझ चुके हैं, तो ऐसे ही CO2 के बबल्स इसमें आने चाहिए। और जैसे ये CO2 के बबल्स एफरवेसेंस इसमें गैस के फॉर्म में अगर आ जाते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका जो दूसरा टेस्ट है, टेस्ट फॉर फिनोलिक, मतलब आपको एक सैंपल दिया जाता है और आपको उसको टेस्ट करना होता है कि इसमें फिनोलिक ग्रुप है कि नहीं। तो अगर ये फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसमें आपको वायलेट, ग्रीन, ब्लू कलर आने चाहिए। सो चलो हम देख के बताते हैं, मैं आपको बस यहाँ पे रिजल्ट बता रहा हूँ, रिजल्ट मतलब कि डायरेक्ट मैं आपको प्रेजेंट दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही आपको अगर प्रेजेंट रहेगा तो ऐसे ही आपको मिलेंगे। सो आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है, अगेन आपको जो भी सैंपल दिया जाता है आपको उसको ले लेना है, इसमें ट्रांसफर। अब इसमें क्या बोला गया है कि आपको लिटिल वाटर डालना है, थोड़ा सा वाटर डालना है इसमें, क्लियर। थोड़ा सा वाटर डालने के बाद आपको इसमें न्यूट्रल FeCl3 डालना है। ये मेरे पास FeCl3 प्रेजेंट है यहाँ पे, आपको ये लैब रिएजेंट में मिलेगा। आपको इसमें ऐड करना है और देखना है कि क्या चेंजेस हमें मिलते हैं। तो आप जैसे इसको इसमें ऐड करेंगे, इसका जो कलर है ना वो ग्रीन में हो जाता है, आपको ये हल्का हल्का ग्रीन दिखना शुरू हो गया रहेगा, पूरा ग्रीन नहीं होता है, ये बेसिकली थोड़ा बहुत ग्रीन में इसमें आना शुरू हो जाता है। मैं इसको कुछ टाइम तक रख देता हूँ, लेकिन आपको ना ये पक्का ग्रीन कलर दिखता है और ये डिजोल्व होने के बाद ऐसा आता है, यहाँ पर हल्का हल्का आपको ग्रीन दिखेगा। सो आपका फिनोलिक ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट। चौथा टेस्ट है टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। तो अगर आपको कोई लिक्विड प्रोवाइड होता है, फिर कुछ भी प्रोवाइडेड होता है, तो अगर आपको उसमें टेस्ट करना है कि उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप वो थोड़ा सा लिक्विड ले लीजिए और अगेन स्टेप क्या है, इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ डायल्यूट NaOH ऐड करना है। तो ये मैंने डायल्यूट NaOH फ्यू ड्रॉप यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्लियर। फ्यू ड्रॉप ऐड करने के बाद आपको क्या ऐड करना है, इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रेसाइड। तो मेरे पास तो फिलहाल सोडियम नाइट्रोप्रेसाइड का सॉलिड फॉर्म है, आपको इसको लिक्विड में कन्वर्ट करके करना होगा। मैं थोड़ा सा ही सॉलिड इसमें डालूंगा और आपको दिखा देता हूँ ये टेस्ट कैसा आता है। ये सोडियम नाइट्रोप्रेसाइड के कुछ पार्टिकल्स है मेरे पास, ये देखिए, ये इसको मैं इसमें क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ,
क्लियर, आप देख रहे हैं इसका जो कलर आना चाहिए कैसा आना चाहिए, रेड ब्लड, और आपको यहाँ पे रेड ब्लड कलर जनरेट होता हुआ दिखना शुरू हो गया रहेगा, क्लियर है। तो अगर ये रेड ब्लड कलर आता है तो कीटोनी ग्रुप क्या होता है प्रेजेंट, अब ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये रेड हो गया, तो अगर आपको ऐसे रिजल्ट मिलते तो आपका कीटोनी ग्रुप क्या हो जाएगा प्रेजेंट, क्लियर। सो चलो ये हो गया आपका कीटोनी ग्रुप प्रेजेंट। सो फ्रेंड्स अगला टेस्ट है टेस्ट फॉर अमीनो ग्रुप, मतलब अगर आपके कंपाउंड में या सैंपल में अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा। क्या आपको ये अमीनो ग्रुप दिया जाता है इसको सब्सटेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको सब्सटेंस, आपको जस्ट ऐसे ही दिया जाएगा सब्सटेंस, आप मैंने जो ऐड किया वो अमीनो उसमें है प्रेजेंट, सो आप वो मत देखिए, आप ये देखिए कि आपको ऐसा सब्सटेंस दिया जाएगा, आपको सब्सटेंस लेना है, टेस्ट ट्यूब लगाना है इसके ऊपर, क्लियर है ना, इसमें क्या डालना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिल डालना है, क्लियर, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड आपको एसिल डालना है, एसिल आपको बहुत ही केयरफुली ऐड करना है इसमें, ये देखिए मैंने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड एसिल, को शेक करना है अच्छे से, क्लियर, और इसको आपको टैप वाटर में कूल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरे पास ठंडा पानी है मतलब लिक्विड है, तो आप मैं इसमें इसको क्या कर दे रहा हूँ कूल कर दे रहा हूँ, क्लियर, ये कुछ टाइम बाद बहुत ही अच्छे से कूल हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना है एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है और इसमें आपको एन ए टू सोल्यूशन बनाना है, एन ए टू सोल्यूशन क्या कैसे बनाओगे, हो सकता है ये आपको बना हुआ मिल जाए या पर आपको बनाना पड़े, आपको थोड़ा सा एन ए टू सॉलिड लेना है, ये आपका एन ए टू सोल्यूशन बन के रेडी हो गया, मैंने एन ए टू में पानी डाल दिया है, वाटर डाल दिया है, ये एन ए टू सोल्यूशन आपका फ्रेशली प्रिपेयर होता है, बन जाता है फटाक से। अब आपको क्या डालना है इस एन ए टू को क्या करना है एक्सेस में इस सॉल्यूशन में ऐड करना है, दैट इज़ योर टेस्ट ट्यूब नंबर वन, इसमें आपको क्या कर देना है इसको ऐड कर देना है, मैं सेक करते हुए जैसे थोड़ा सा ऐड किया और थोड़ा सा शेक करूँगा, थोड़ा सा ऐड किया थोड़ा सा शेक करूँगा, क्लियर, दोनों ठंडे रहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा ऐड करूँगा थोड़ा सा शेक करूँगा, क्लियर, अब ये तुम्हारा टेस्ट ट्यूब नंबर वन यहाँ पे बन के क्या हो गया है रेडी हो गया, इसको मैं और ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख दूँगा। अब आपको एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है और इसमें क्या लेना है बीटा नेफ्थॉल इन NaOH, ये देखो ये मेरे पास है बीटा नेफ्थॉल इन NaOH ऑलरेडी बना हुआ रहता है, ये आपको दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेना है, क्लियर। अब आपको क्या करना है ये जो आपका कूलडेट सोल्यूशन है टेस्ट ट्यूब नंबर वन, क्लियर, इसको ही आपको टेस्ट ट्यूब नंबर टू में डालना है, मतलब आपको जो एनिलीन आपने जिसमें लिया था इस सॉल्यूशन को इसमें डालना है, ना कि इसको इसमें, आपको इसको इसमें डालना है, याद रखना अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी रीडिंग गलत आपका जो टेस्ट है वो गलत आ सकता है, सो आपको इसको इसमें क्या करना है ऐड करना है, सो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज रेड कलर का एक डाई जनरेट हो रहा है यहाँ पे, क्लियर क्लियर, अगर ये ठंडा रहता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, तो आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे ऑरेंज रेड कलर का यहाँ पे एक डाइज मिल रहा है जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप क्या है प्रेजेंट है, अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिलता है तो अमीनो ग्रुप क्या हो जाएगा प्रेजेंट, क्लियर। अपने चलेंगे लास्ट सातवें टेस्ट के ऊपर, टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, नहीं पता रहेगा इसमें क्या है तो आप कैसे पता कर सकते, सो आप ये सैंपल ले लीजिए और इसमें देखो एक टेस्ट दिया हुआ है कि आपको अ वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ सोडियम लेना है, बहुत ही स्मॉल, ये मेरे पास सोडियम है और फ्रेंड्स आपको पता है सोडियम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, सो मैं बहुत ही स्मॉल पीसेस लूँगा, सो मैं यहाँ पर सोडियम निकालता हूँ केयरफुल, ये मैंने सोडियम यहाँ पर निकाल दिया है, बहुत ही स्मॉल पीसेस में इसको कट करूंगा और जो आपको सैंपल दिया गया था आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं, याद रखिए बहुत ही स्मॉल पीसेस में आपको इसको कट करना है, काफी बड़ा पीस हो गया, हाँ ये छोटा सा पीस मुझे मिल गया यहाँ पे, तो अभी आपको क्या करना है आपको जो भी सैंपल दिया जाएगा आपको उसमें छोटे से पीस का सोडियम मेटल को क्या करना है इसमें ऐड करना है, देखते क्या दिखता है, अगर सोडियम मेटल ऐड करने के बाद एफर्वेसेंस ऑफ H2 मिलता है तो ठीक है और नहीं मिलता है तो ये ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा एबसेंट, हम इसको इसमें ऐड करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें बबल जनरेट होना शुरू हो गया है, क्लियर, अब यही बबल से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है और ये बबल्स आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली दिख रहा है, क्लियर फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पे क्या हो गया कि एफर्वेसेंस ऑफ H2 गैस, सो दैट्स वाई इसमें कोई तो अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ROH ग्रुप यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है,
सो फ्रेंड्स, आपने सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख लिए, कैसे कैसे मैंने दिखाया, इसके मेरे बाजू में आंसर की भी है, आप देख के इजीली इस आंसर की को लिख सकते हैं। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कब प्रेजेंट होगा, कब फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, कब ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, कब वो ग्रुप प्रेजेंट होगा, आपके सारे आंसर के यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आप इस आंसर की को देख के बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने हैंडबुक में, और तैयारी भी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूँ कि मेरा एक और चैनल है द केमिस्ट्री तड़का, इसका लिंक आपको कम्युनिटी टैब या फिर डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के मिल जाएगा। आप जाइए और उस वीडियो को देखिए, और उसमें धमाकेदार एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब ए टू जेड प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।